स्वागत है आपका एनबीएसई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। शुरुआत करेंगे ताजा खबर के साथ। राजस्थान में अवैध मीट की दुकान और बूचड़ खाने और मीट की दुकान हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होने वाला है। बता दें इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए डिस्पेंसरी और जन औषधि केंद्र खोलने और पार्षदों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देने व 208 पदों की स्वीकृति सहित 7 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बोर्ड की पहली बैठक फरवरी 2021 को हुई। अब साधारण सभा को लेकर आखिरकार पार्षदों का 3 साल का जो लंबा इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। 6 मार्च को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की दूसरी साधारण सभा की बैठक होने जा रही है जिसमें इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। आपको ये बता दें कि नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर का कहना है कि आम पार्षदों की राय के आधार पर साधारण सभा के 7 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन मुद्दों पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक चर्चा की जाएगी। इससे जयपुर के विकास की रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही आम पार्षदों की समस्याओं पर भी साधारण सभा की बैठक में चर्चा करेगी ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान हो और आम जनता को राहत मिल सके। बता दें खास तौर से धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, विद्यालय और सार्वजनिक पार्क के निकट चल रहे लाइसेंसी बूचड़ खाने और मीट की दुकानों का सर्वे कराने और उनके लाइसेंस से भी निरस्त किए जाने पर चर्चा होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएसई न्यूज के साथ। नमस्कार।